छोटू क्या क्या बना रहे हो आप यहाँ पे? छोले पराठे, छोले कुलचे। छोले पराठे, छोले कुलचे। क्या उम्र हो गई भाई तुम्हारी? 12 साल। 12 साल के हो, इतनी छोटी सी उम्र में ये काम कर रहे हो। पापा कहाँ रहते तुम्हारे? गाँव में रहते हैं। मतलब तुम यहाँ पे कमा रहे हो और उनको वहाँ पैसे भेजते हो। छोटू कितनी सेल कर लेते हो यहाँ पे डेली की तुम यार? 500-600 रुपए। 500-600 रुपए में कैसे पैसे क्या बचते होंगे? इतनी तो लागत ही आ जाती होगी। 200-250 रुपए बचा लेते हो। मतलब 200-250 रुपए महीने के आप 5-6 हजार रुपए घर पे भेज देते हो अपने गाँव में। चलो बढ़िया है, हमें दिखाओ तो सही क्या क्या बना रहे हो आप यहाँ पे? ये छोले है। क्या बात है, क्या बात है। और ये कुलचे है, ये कौन से वाले कुलचे? आटे के होते हैं, सूजी के होते हैं? मैदा के कुलचे होते हैं। और इसके अंदर क्या लगे आते हो तुम? छोले। ये छोले है, क्या बात है। ये देखो थोड़े से छोले है छोटू के। छोटू तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो पूछना भूल गया यार मैं। कृष्णा। ये देखो एड्रेस क्या पड़ता है यहाँ का? पंचशील पार्क मैक्स हॉस्पिटल के पास में है ना। और तुम सुबह कितने बजे आते हो यहाँ पे? 7 बजे। और कितने बजे तक रहते हो? 4 बजे तक। पराठे कितने रुपए के देते हो तुम यार? 30 रुपए के 2। देखो 30 रुपए के 2 पराठे बेच रहा है। 30 रुपए के कुलचे भी 30 के 2। क्या बात है, 30 रुपए में 2 कुलचे और छोले भी देते होंगे साथ में, 2 पराठे भी। मतलब बहुत कम है एक तरीके से। ये देख लो, ये है दिल्ली के अंदर की सच्चाई। फूड ब्लॉगर, जो बड़े बड़े फूड ब्लॉगर हैं वो बड़ी बड़ी दुकानों में जाके सबको दिखा रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे जो दिल्ली में काम कर रहे हैं ये। अंकल जी, अंकल जी आप पराठे खाते रहते हो छोटू के? हाँ कभी कभी खाते हैं। कभी कभी खाते हो? कभी कभी खाते हो। हाँ जी। हम तो कहते हैं आप डेली खाएंगे तो छोटू के पराठे, कुछ हेल्प हो जाएगी छोटू की इतनी। कृष्णा भाई, छोटू भाई, कृष्णा नाम है ना तुम्हारा? तुम्हारे घर में और कोई कमाने वाला नहीं है? तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं वहाँ पे गाँव में? खेती करते हैं। खेती करते? आप भी कभी नेहरू प्लेस की साइड में आ रहे हो तो पंचशील पार्क है। पंचशील मैक्स हॉस्पिटल के पास में लगाता है छोटू कृष्णा, इसका नाम कृष्णा है। आप भी आओ और इनके पराठे छोले कुलचे ट्राई करके जाना। ये देखो छोटा सा सेटअप है, देखो छोटू कोई आएगा तो सबको खिलाओगे पराठे और छोले कुलचे? थक तो नहीं जाओगे? नहीं थकोगे ना, खिलाओगे ना सबको? चलो बढ़िया है। ये पराठे बहुत स्वाद बना रखे हैं इसने, बिल्कुल मज़ा आ गया मेरे को।